नमस्कार। कोविड 2019 के साथ में अब पूरी दुनिया में सब लोगों ने लड़ाई लड़ने का हमने अभी ठान लिया है, और ये लड़ाई कोई सरकार या कोई संयुक्त राष्ट्र या कोई विदेश में जीती नहीं जाएगी। इसको हमें सबको लड़ना है, और इसको लड़ने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास केवल वैज्ञानिक रूप से जो चीज़ें सच बताई जा रही हैं और जिनका कोई तथ्य है उन पे हम विश्वास करें, और जो चीज़ें अंधविश्वास के स्वरूप में हमारे पास में आती हैं वो चाहे किसकी तरफ से भी आ, हमारे सबसे मतलब जो नज़दीकी हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर भी विश्वास करना अभी इस समय को ठीक नहीं है। हमें केवल विज्ञान पर विश्वास करना है, और इस विषय में एक बात मैं सिर्फ आपसे कहना चाह रहा हूँ, कोरोना वायरस 12 घंटे में नष्ट नहीं होता। इसके लिए अभी बहुत सारे सबूत हैं, वैज्ञानिक रूप से हैं। हवा में 3-3 घंटे तक ये विषाणु जीवित रहता है, जिसको वायबल बोलते हैं अंग्रेजी में। और जहाँ तक कोई भी धातु के पदार्थ हैं, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो या लोहा हो या कोई भी और पतरा हो या तांबा हो या पीतल, उस पे 3-4 दिन तक वो जीवित रह सकता है और वहाँ से हमें संक्रमित हो सकता है और हम उसको और लोगों के पास संक्रमित कर सकते हैं। तो कृपया ऐसे भ्रम में ना आए कि 12 घंटे में या 13 घंटे में या 14 घंटे में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए विज्ञान ने बहुत सारा सबूत ऑलरेडी पैदा कर रखा है, और ऐसा यदि आपसे कोई कहता है तो उसको आप बताएं कि ये बात वैज्ञानिक रूप से तथ्य नहीं है, सच नहीं है। बस उतना ही। नमस्कार।